प्रदेश का सभी पॉपुलेशन को यही इंफॉर्मेशन देना चाहेगा कि हम लोगों का यहाँ में मेंटल हेल्थ बोलने से अवेयरनेस नहीं है। तो फोकस हम लोग का मेन यही है कि हम लोग जितना हो सकेगा हम लोग अवेयरनेस फैलाने का कोशिश करेगा और आउटरीच प्रोग्राम्स रखेगा और हम लोग हर एक एरिया को कवर करना चाहेगा। हम लोगों का एसोसिएशन पहले से ही काम कर रहा है अंडर द नेम ऑफ साइको सोशल सपोर्ट ग्रुप, जो कि फेसबुक में भी इसका एक पेज है अपना, तो उसका थ्रू हम लोग पहले से काम कर रहा था। तो अभी फ़िलहाल हम लोग ऑफिशियली ऑल अरुणाचल प्रदेश साइकोलॉजिकल एसोसिएशन का अंदर आ चुका है, तो हम लोग अभी इसका थ्रू काम करेगा। और हम लोगों का मेन मोटिव ये रहेगा कि हम लोग जितना हो सकेगा आउटरीच प्रोग्राम्स रखेगा, प्लस किसी को अगर कोई हेल्प चाहिए तो हम लोग उसके लिए सर्विस प्रोवाइड करेगा, वो चाहे ऑनलाइन हो या चाहे ऑफलाइन हो, जैसा कन्वीनियंट रहेगा पॉपुलेशन का हिसाब से। तो हम लोग हर एक एरिया को कवर करना चाहेगा। तो मेरा तरफ से हम इतना ही बोलेगा कि जो मेंटल हेल्थ है, जो इसका स्टिग्मा है, उसको दूर करना हम लोगों का मेन मोटिव रहेगा। और दूसरा जो है वो हम लोगों का ये रहेगा कि जितना हो सकेगा हम लोग अंदर अंदर जाके पहुंचना चाहेगा, क्योंकि रूरल बोलने से तो लाइक वहाँ पे है ही नहीं अवेयरनेस ना। अर्बन में तो ठीक है, हम लोगों का थोड़ा ही भी यहाँ में थोड़ा जानता भी है कि हाँ चलो वो लोग को पूछता है कि डिप्रेशन क्या है बोलने से, दे नो इट। लेकिन अगर अंदर जाके बस्ती वालों को पूछो कि डिप्रेशन क्या है, दे विल से कि हम लोग तो कभी सुना ही नहीं है इसका बारे में। तो हम लोग ट्राई करेगा कि डिप्रेशन को हम लोग कैसे करके नॉर्मल लैंग्वेज में उन लोगों को बता सके कि डिप्रेशन क्या है। और ऐसे ही हम लोग अदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को भी अवेयर कराना चाहेगा वो लोग कि हाँ ऐसा होता है। एक फिज़िकल हेल्थ होता है और एक मेंटल हेल्थ होता है। फिज़िकल हेल्थ में नॉर्मली हम लोग अगर ब्लड टेस्ट करता है या तो सीटी स्कैन करता है, एमआरआई करता है, देन यू विल गेट द रिज़ल्ट लाइक पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन मेंटल हेल्थ का ऐसा कोई टेस्ट नहीं है जिसको टेस्ट करने के बाद पता चले कि ओ मेंटली हम लोग का इशू है करके ना। तो हम लोग ये चीज़ को जितना हो सकेगा पॉपुलेशन को अवेयर कराना चाहेगा। जैसे अभी बात किया है कि हम लोग का ये पहले साइको सोशल सपोर्ट ग्रुप में एक फंक्शन करता था, पर अभी हम लोग ऑफिशियली ये ऑस्पिशियस ओकेजन ही बोल सकते हैं कि हम लोग अपना फॉर्मल इवेंट वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में हम लोग कर पाया है ऑफिशियली, बिकॉज अभी हम लोग अरुणाचल प्रदेश साइकोलॉजिकल एसोसिएशन बन गया है। तो साइको सोशल सपोर्ट ग्रुप जो था वो अभी एक फंक्शनल विंग बन के अंडर द बैनर ऑफ ऑल अरुणाचल प्रदेश साइकोलॉजिकल एसोसिएशन काम करेगा। तो आज का जो प्रोग्राम था बेसिकली हम लोग डेडिकेट किया था दीपक नाबाम लिविंग होम का जो रेसिडेंस है उन लोग को हम लोग डेडिकेट किया था। यहाँ पे वी वांटेड द डे टू बी फॉर देम सो दैट दे हैव फन, थोड़ा उनको आज एक ब्रेक मिले फ्रॉम वट एवर दे माइट बी गोइंग थ्रू। उन लोग का दिमाग में क्या चल रहा है हम लोग को पता नहीं है, बट एज साइकोलॉजिस्ट हम लोग का एम्पैथी लेवल हाई होना है। तो इसीलिए बेसिकली आइडिया ये था कि उनको बस एक अच्छा एक मेमोरेबल डे देने के। बट साइड बाय साइड हम लोग का ये साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन भी रखा जिसमें हम लोग क्लिनिकल असेसमेंट किया है, उन लोग का मेंटल हेल्थ स्टेटस को देखा है, एंड देन वी ऑल्सो हैड होम्योपैथी डॉक्टर्स विद अस जो उन लोग का फिजिकल एग्जामिनेशन किया है। तो ये वाला हम लोग सब रिकॉर्ड कीपिंग में जाएगा। दिस रिकॉर्ड विल ऑल्सो बी हैंडेड ओवर टू द टू दीपक सर अगर उनका, और ये चीज़ हम लोग प्रोलॉन्ग करेगा। वी विल आज चलो सिर्फ हैंडफुल ऑफ पीपल वी कुड लाइक चेक, बट हम लोग ये लॉन्ग टर्म रखेगा। वील कीप कमिंग एंड वील कीप डूइंग द मेंटल हेल्थ असेसमेंट, एंड देन हम लोग कुछ काउंसलिंग भी चाहिए तो वी आर रेडी टू प्रोवाइड, एंड फिजिकल साथ में फिजिकल हेल्थ एग्जामिनेशन भी हम लोग जितना सकते हैं हम लोग अपना तरफ से ट्राई करेंगे। तो ये हो गया हम लोग का साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन, ये हम लोग का आउटरीच प्रोग्राम का जो मेन था। बट वही जो स्पीकिंग ऑफ हम लोग का जो गोल था आज का कि एक मेमोरेबल डे दिया जाए, तो इसीलिए हम लोग एक आर्ट कॉम्पिटिशन रखा जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं बट छोटा सा हम लोग पेन पेपर मतलब A4 साइज पेपर दिया, एंड देन क्रेयॉन्स दिया, स्केच पेन्स दिया, जिसके थ्रू दे कुड जस्ट एक्सप्रेस देमसेल्व्स। ये आर्ट थेरेपी भी होता है विथ विच अपना जो अंदर का फीलिंग्स है वो बाहर निकल के आ सकते हैं, पीपल कैन डील विद देयर फीलिंग्स बेटर। तो उसमें ही छोटा सा हम लोग छोटा सा ज़्यादा नहीं स्केच पेन्स एंड देन सम स्टेशनरी किट को हम लोग लेके फर्स्ट प्राइज सेकेंड प्राइज ऐसा करके दिया, एंड देन वी आर मेम्बर्स हैड सम डांस परफॉर्मेंस हम लोग का तरफ से जस्ट सो दैट देयर सम काइंड ऑफ फन इन देयर डे। हम लोग का तरफ से मीनिंग यही था कि उन लोग का डे अच्छा जाए, एक फन फिल मेमोरेबल डे हो जाए। तो यही था, एंड दीपक सर को हम बहुत थैंक यू देता है, वेरी ग्रेटफुल कि हम लोग एक अपॉर्चुनिटी दिया है टू लेट अस कम हियर एंड देन मीट विथ पीपल। हम लोग भी बहुत सीखा है यहाँ का रेसिडेंट से मिलके, सर को देख के बहुत इंस्पायर हुआ है, एंड होपफुली हम लोग का एसोसिएशन भी
जैसे ओइन मैम अभी बताया, वी विल कीप वर्किंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ इन आवर स्टेट, बिकॉज यहाँ पे बहुत नेग्लेक्ट हुआ है एंड दिस एसोसिएशन इज फर्स्ट, वन ऑफ इट्स फर्स्ट, यहाँ पे स्टेट में ऐसा हुआ नहीं है. सो आई एम वेरी प्राउड टू से कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे में वी कुड डू समथिंग लाइक दैट. आप लोगों ने आज डोनेशन भी करवाया है, किस तरह से मैनेज किया? अच्छा, तो ये हम लोग का फर्स्ट था, हम लोग का क्राउड फंडिंग का जो इनिशिएटिव था ये हम लोग का फर्स्ट था एंड वी आर सो प्राउड टू से कि हम लोग को बहुत अच्छा से मदद मिला है. टोटल में वी गॉट अराउंड 54,401 रुपीस. डिटेल सब हम लोग का फेसबुक पेज में हम लोग अपलोड करेगा. उसका से हम लोग जितना सा राशन, एसेंशियल गुड्स, फर्स्ट एड किट खरीद सकता हम लोग खरीदा है. एडिशनली वी ऑल्सो आस्क पीपल टू डोनेट एनी काइंड ऑफ आइटम्स ना, जैसे क्लोथ्स, उन लोग का यूटेंसिल्स हो, वट एवर दे डोंट नीड, ब्लैंकेट्स, अभी विंटर भी आ रहा है. तो वी गॉट अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्स फ्रॉम द पब्लिक ऑल्सो. बहुत सारा लोग देखे वहाँ पे डोनेटेड क्लोथ्स, आप लोग देख भी सकते हैं बाहर पे. एंड वी आर सो हैप्पी कि वी वर द मीडियम्स थ्रू विच दिस वॉज दिस हैपेंड. एंड यहाँ पे एक नॉर्म रहता है ना कि ऑर्फनेज को या शेल्टर होम्स को आदमी लोग, यहाँ का जो रेसिडेंट्स है, दे आर नेग्लेक्टेड, द रिजेक्टेड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. बट आई थिंक अरुणाचल सोसाइटी हैज़ प्रूव्ड कि दिस टाइम दैट्स नॉट द केस, पीपल डू लव देम ना. और क्योंकि इतना सारा सामान, इतना सारा डोनेशंस आया है इन सच अ स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम, विद इन 3 days we collected this much amount and this many items. तो प्यार है and प्यार दिखा and we are so glad कि हम लोग के थ्रू ये दिखा. तो वी आर वेरी लकी दैट ये डोनेशन ड्राइव हो पाया हम लोग के. जो अरुणाचल प्रदेश जो साइकोलॉजिकल सेक्टर में, मेंटल हेल्थ सेक्टर में, अभी तक ये बात को तो आज से पहले ऐसा चीज़ आज जैसा हुआ है ऐसा नहीं देखा. लेकिन आज एक हिस्टोरिक, एक रेड लेटर दे जैसे मान रहा मैं कि आज जो यहाँ करके दिखाया है, एक अवेयरनेस उन लोगों का जो आइडियोलॉजीज और जो यहाँ सपोर्टिंग और जो एश्योरेंस, जो मेंटल जो रिटार्डेड या मेंटली जो डिसेबल और जो जिसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो उन लोगों के लिए एक बड़ा मैसेज, एक बड़ा एक रे ऑफ होप आज यहाँ दिखाया. और मैं आशा करता अरुणाचल के लिए एक एक आशा का रोशनी जो आज जैसे करके दिखाया उस सेमिनार को और आगे ले जाएंगे, तो ये साइकोलॉजिकल जो अरुणाचल प्रदेश जो साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के द्वारा जो करवा के दिखा रहा, बहुत बड़ा अच्छा लगा. और मैं भी इस एरिया में इतना लॉन्ग, इतना सालों से करके आया हुआ, मेरा अपना लेवल से मन का जो सहानुभूति से, मन का जो प्यार से सेवा करते हैं, परंतु जो टेक्निकल जो ऐसे यहाँ सोशल जो साइकोलॉजिस्ट अवेयरनेस कैसे हैंडल करना, कैसे काउंसलिंग करना, और मेरे लिए और इनकरेजमेंट और सपोर्टिंग मिला है, बहुत बड़ा अच्छा लगा है.